हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन के लिए लुक बुक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहती है देन प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं टोटल आपके साथ 5 लुक शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में और सभी लुक वैसे तो डिफरेंट होंगे, बस जो मेकअप मैंने किया है ये सभी लुक्स में सेम होने वाला है बिकॉज इंडियन आउटफिट के हिसाब से ये लुक परफेक्ट है। इवन आप एथनिक वेस्टर्न दोनों के साथ इस लुक को कैरी कर सकते हो। तो बेस तो मैंने अप्लाई कर लिया था नॉर्मली, उसके बाद गाइस मैंने आई लुक के लिए करा है पीची सॉर्ट ऑफ शेड को अप्लाई किया है एज अ ट्रांजिशन शेड, और उसके बाद मैंने जो मेबलिन का हाइलाइटर आता है इन दी शेड मोल्टन गोल्ड उसको अप्लाई कर लिया है। जस्ट दो शेड को अप्लाई करके मेरा आई लुक कम्प्लीट हो गया। एक रेड बिंदी मैंने अप्लाई की है, उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है मैक की लिपस्टिक, ये है रूबी वू शेड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मेरी फेवरेट है और यही लिपस्टिक मैं अप्लाई करूंगी। तो मेकअप मेरा सभी लुक के लिए यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस ज्वेलरी फुटवेयर आउटफिट एक्सेसरीज थोड़ी सी ऐड हो जाएंगी। और या सो मैं लुक बुक फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे शेयर कर रही हूँ, सो आई नो कि परफेक्ट तो नहीं होने वाली, बहुत सी गलतियां होने वाली है, सो आप फीडबैक दे सकते हैं जैसे कि मैं आगे और बेहतर कर सकूं। सो चलो अब ज्यादा ही बकबक हो गया, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लुक। सो गाइज, ये है मेरा फर्स्ट लुक जो कि करवा चौथ दिवाली वेडिंग सीजन सबके लिए परफेक्ट है। तो इसमें मैंने बेज कलर के कुर्ते को बेज कलर के शरारा के साथ पेयर किया है जिसमें गोल्डन डिटेलिंग है। सो चलो अब बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या और भी चीजें इसमें ऐड की है जिससे कि ये लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। तो ये बेसिक इस टाइप का शरारा था एंड कुर्ता था, तो ये इस टाइप का कुछ सेट था, ये आप देख सकते हो। आप स्कर्ट भी पेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो बेसिक से आउटफिट को हमें टर्न करना है। सो गाइज, ये मैंने इयररिंग्स परचेज किए थे फिदा से, मैंने रिसेंटली मिंत्रा फेस्टिव हॉल शेयर किया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अप्रोक्स प्रोडक्ट आज जो मैं यूज करूंगी वो उस हॉल में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट गाइज, मैंने ये यूज किया है सतरानी ब्रांड का ये मरून दुपट्टा जिसमें गोल्डन डिटेलिंग है और ये पूरे आउटफिट को ही bomb.com बना देगा। मैंने एक स्टेटमेंट रिंग डाली हुई है और बैंगल डाले हुए हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं, और ये मैंने हील्स डाली हुई है जो कि गोल्डन कलर में है, मेट्रो की हील्स है। सो ये है गाइज मेरा फाइनल लुक। सो गाइस, सेकंड आप लहंगा भी वियर कर सकते हैं, ये भी करवा चौथ दिवाली वेडिंग सीजन सबके लिए परफेक्ट होगा। सो ये गाइस पर्पल मेजेंटा ऐसा कुछ कलर का लहंगा है जिसमें गोल्डन डिटेलिंग है। सो यस, इसके साथ मैंने गोल्डन कलर की ये इयररिंग्स पेयर की हैं, स्टेटमेंट रिंग और एक वॉच डाली है, एक हाथ में बैंगल है और ये मैंने गोल्डन कलर का ही क्लच लिया है जो कि ड्रेस बेरी ब्रांड से है। ये मिंत्रा फेस्टिव हॉल में आपको देखने को मिल ही जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, इसके साथ नेट का दुपट्टा था, ये मैंने परचेज किया था लोकल मार्केट से ही, तो इसका लिंक तो आपको नहीं दे सकती लेकिन आप बनवा भी सकते हैं ऐसा ही, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, ज्यादा रिवेलिंग भी नहीं है एंड बहुत ही प्यारा लुक आपको देगा, राइट। सो ये देखिए आप। सो गाइस, नेक्स्ट आउटफिट उन गर्ल्स के लिए जिनको ज्यादा तड़ाक भड़क वाले पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने ये डब्लू का मरून कुर्ते को पेयर किया है व्हाइट प्लाजो के साथ, ये इयररिंग्स डाले हैं, सिल्वर कलर के रिंग है और एक हाथ में जस्ट बैंगल डाली, आप चाहें तो वॉच भी पेयर कर सकते हैं। इसके साथ गाइस मैं व्हाइट जूतीज डालूंगी जिसमें गोल्डन वर्क है, क्योंकि मेरे कुर्ते में भी प्लाजो में भी गोल्डन वर्क है, दैट्स व्हाई मैंने गोल्डन कलर का ही यहाँ पे लिया है क्लच। और गाइज ये है मेरा लुक, बहुत ही बेसिक लुक है लेकिन गाइज बहुत ही प्यारा लुक लगता है ये वाला, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और छोटी दिवाली वगैरह के लिए, भाई दूज के लिए ये लुक परफेक्ट होने वाला है। सो यस, सो गाइज थर्ड हमारा लुक है ये साड़ी के साथ जो कि करवा चौथ के लिए अगेन बहुत अच्छा है, वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है, दिवाली के लिए भी परफेक्ट है। सो गाइज ये ग्रीन कलर की मैंने साड़ी ली है जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर कलर की डिटेलिंग थी, इसलिए मैंने सिल्वर कलर का चोकर डाला हुआ है कि आप देख सकते हो। इयररिंग्स नहीं डाले क्योंकि ये साड़ी वगैरह बहुत खूबसूरत थी, एक हाथ में बैंगल है एक हाथ में वॉच है और ये बैग लिया है मैंने, ब्लैक कलर का बैग नहीं था, इसके साथ ब्लैक बैग बहुत अच्छा लगता। और गाइज ये मैंने टैंक टॉप वियर की है, ब्लाउज नहीं वियर किया बिकॉज टैंक टॉप के साथ इस साड़ी का लुक ज्यादा अच्छा आ रहा था।
सो यू कैन सी. और मैंने यू नो सेंटर पार्टीशन किया है, या तो मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ, ज्यादातर तो मेरे हेयर को मैं ओपन ही रखती हूँ बिकॉज मेरे फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा फेस गोल है. इसलिए आप अपने फेस कट के हिसाब से जो भी चाहें उस टाइप का हेयर स्टाइल बना सकते हैं. तो ये है मेरा फाइनल लुक. सो गाइज बेसिकली आप किसी भी साड़ी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप कोई भी टॉप यू नो मैच कर सकते हैं अपने साड़ी के साथ और आपकी साड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, आपका लुक भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है. लास्ट लुक में मैं वेयर करने वाली हूँ जैकेट. सो गाइज आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड में है ये जैकेट काइंड ऑफ ड्रेस, जिसमें बेसिक कोई भी आपकी कुर्ता वगैरह होता है. तो ये कुर्ता और ट्राउजर था, इसके साथ ये जैकेट आई थी जिसने पूरे लुक को ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस टाइप का लुक. सो आप कोई भी मैचिंग इयररिंग्स डाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे पर्ल इयररिंग्स डाले हैं, एक हाथ में वॉच पहना हुआ है और ये बैग मैंने कैरी किया है, ये मेट्रो का है. सेम ऐसे ही बैग का बट मरून कलर में, आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा. और गोल्डन कलर की इसके साथ हील्स को मैंने पेयर किया है. सो ये है मेरा फाइनल लुक. मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा लुक को, बहुत ही प्यारा लुक था ये. So, ये हमारा आखिरी दिन जो हम जी रहे हैं. खुशी का आखिरी हम पढ़ने वाले थे. हट में करवा लो, हट में. साड़ी ना फट जाए दीदी आपकी, साड़ी फट गई तो. यार कुछ दिखे नहीं रहा, भूमि कुछ भी नहीं. संजना आ गई पीछे से. शूट डन 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 डन. सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो. सो मिलते हैं गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय.